हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज फ्रेंड 17 तारीख है और अभी सुबह का 9 बज रहा है और मैं अभी हूँ चांदरोड़ा अपने गांव और अभी गाड़ी स्टार्ट किया है। अभी यहाँ से जाना है मुंद्रा। अभी मुंद्रा देखते हैं कहाँ से लोडिंग है क्या है। तो अभी गाड़ी स्टार्ट कर दिया है और मैं नाक के आ गया हूँ। ये सामने का नज़ारा है, सामने त्रिद्या होटल। कार बार चेक करते हैं। ये लकड़े भी साथ में ही है, लकड़े को भी उधर जमा कराना पड़ेगा। बाकी सब ठीक ठाक लग रहा है और पीछे ऐसा जंगल है और ये सरदार जी का होटल है। तो फ्रेंड्स, अभी मुंद्रा से कुछ ऑर्डर आया कल शाम को, तो शाम के से खाली आ गए थे और अभी जाएंगे खाली मुंद्रा और मुंद्रा से लौट करके और जाएंगे जामनगर। तो अभी देखते हैं कब तक लोड होता है, कहाँ से लोडिंग है। और आप पूरा हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहिएगा, आपको दिखाएंगे कहाँ से लोडिंग है, क्या माल है क्या नहीं है। तो चलो हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं आगे। दोस्तों, अभी मैं पहुँच गया हूँ मुंद्रा और मैंने फाइनली पोर्ट का पर्ची कटवा लिया है जो है 350 का। और अभी रास्ता सर्कल से थोड़ा पहले हूँ, अभी थोड़ा ट्रैफिक है और आराम से जा रहा हूँ। आगे नमक वाली गाड़ी चल रही है और इसको करेंगे ओवरटेक और जाएंगे पोर्ट में। पोर्ट में अदानी कंपनी है, वहाँ पे जाना पड़ेगा और अपना है कच्छ कॉपर से लोडिंग और कच्छ कॉपर से जाएगा जामनगर। तो आराम से चलते हैं। अभी बस जस्ट के सामने रास्ता बस सर्कल आने वाला है। इधर का कंटेनर का कारोबार ज़्यादा है तो कंटेनर ही दिखते हैं। तो फ्रेंड चलो करते हैं पोर्ट में एंट्री, आप पूरा एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ।
रात के 8:30 हो चुके हैं और मैं हूँ अभी मुजरा पोर्ट और सोलर कंपनी अडानी कंपनी है वहाँ से मैं जा रहा हूँ वापस रंगोली गेट की तरफ और अपना गाड़ी अभी लोड हो चुका है। फ्रेंड्स माल में तो एक कंटेनर है और बाकी तो ज़्यादा वजन तो है नहीं माल में, तो आराम आराम से अभी बाहर आएंगे। अभी फ्रेंड्स बिल की वहाँ से बाहर से ही मिलेगा, ट्रांसपोर्ट बिल की बाकी है, तो अभी आराम आराम से जाएंगे बाहर। और फ्रेंड्स ये रोड पे अपना स्पीड 40 ही रखना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा जलेंगे तो इधर फाइन आता है, तो 40 से ऊपर जा नहीं सकते, इसलिए आराम आराम से चल रहे हैं अभी। और एकदम सिंगल रोड है देख सकते हो और एक कंटेनर है सामने देख रहे हो, वेस्ट पोर्ट है और इधर कंटेनर वाला मुंद्रा पोर्ट है और देख सकते हो स्पीड लिखा हुआ है 40 का स्पीड। आराम से जाएंगे अभी और बाहर जाके अभी थोड़ा माल भी उतारने का है। और एक बाइक भी अपना गाड़ी के ऊपर डालेंगे, बाइक को भी जामनगर ले जाना है, तो देखते हैं अभी कौन सा बाइक है क्या चीज़ है, तो बाहर चल के पता चलेगा, तो आप हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहेगा, देखते हैं। फ्रेंड्स अभी रात का 11 बज रहा है और मैं अभी पहुँचने वाला हूँ प्राग पर चौपड़ी और अभी लेट ज़्यादा हो गया है और अपना जो आधा माल था वो तो इधर मुंद्रा इधर खाली कर दिया था, मुंद्रा में वो दूसरा एक बाइक था वो बाइक लेके आए वो एक पिकअप गाड़ी से और वो अपनी गाड़ी में पीछे डाल दिया है, तो सुबह मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा बाइक है। कोयले वाला माल तो सब पिकअप में गाड़ी में लेके गए, अभी देखता हूँ अभी खाना सब बाकी है, अभी 11 बजने वाला है, पहुँचते पहुँचते लगभग एक आध घंटा जैसा हो जाएगा सब, 12 तो बच जाएगा। तो ये अभी सामने प्रागपुर चौकड़ी पहुँचने वाला हूँ और वजन तो ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स और मैंने 150 लीटर डीजल भी डाल दिया क्योंकि रिटर्न में तो 90% तो खाली आना पड़ेगा, रिटर्न में माल तो जामनगर से मिलता नहीं है और अपना माल है जामनगर रिलायंस कंपनी का, तो अभी देखते हैं कहाँ पे खाली होता है। पहले तो ये बाइक तो शायद बाहर ही उतरेगा, अंदर नहीं जाएगा बाइक, तो आप पूरा एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये सामने आ गया प्रागपुर चौकड़ी और यहाँ से ब्रिज से सीधा जाके फिर मारेंगे राइट और फिर अपना 4 लाइन आ जाएगा, तो चलो चलते हैं खाना बना करते हैं और फिर पोजीशन देखेंगे निकलने का। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको गुड नाइट। ये बॉय मैं अभी खाना खा के निकल चुका हूँ, यही तो हमारा कमाल है भाइयों, रात के राजा ऐसे थोड़ी कहलाते हैं भाइयों, क्योंकि
नाइट को हम गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों अभी मैंने अभी घर पे गया था, खाना खा के ही आ रहा हूँ अभी, और अभी नींद तो आ रहा है लेकिन किसी को बता तो नहीं सकते ना, क्या करेंगे यार। रात को लेट से शाम को पड़ा तो अभी रात को तो चलाना ही पड़ेगा, प्रॉब्लम है लेकिन किसी को बता नहीं सकते। अभी खाना खाने के बाद तो आराम करना चाहिए लेकिन खाना खा के ही आया हूँ डायरेक्ट रिटर्न। गाड़ी अपना होटल पे खड़ा किया था और अभी देख सकते हो मेरा गांव अभी पार किया ही है, माँ लक्ष्मी चौधरी होटल पार कर खड़ा किया अभी। और अभी तो नाइट हमारा ही पड़ा है समझो, पूरा नींद तो आता है लेकिन क्या करेंगे, किसको बताएंगे भाई। हमारे ऊपर वजन ही इतना है, 30-35 टन नहीं पर पूरी लाइफ का वजन भरा हुआ है, करना पड़ता है भाई ये सब लोग कर रहे हैं तो अपने को सबके साथ चलना पड़ता है। बाकी सामने आ गया भारत का कंपनी का पंप और इधर हमारा छठा माता का मंदिर है, आप देख सकते हो। अभी ऐसे ही चलते रहेंगे, आगे चाय पानी करेंगे, फिर नींद तो आता रहेगा लेकिन चाय पानी विमल गुटका सब चलता रहेगा और अपना गाड़ी भी चलता रहेगा। ऐसे ऐसे और बजाते रहेंगे और आगे निकलते रहेंगे क्योंकि आज वजन कम है। और अब देखते हैं रास्ते में दोस्तों नींद आए। सापर गेट में आता हूँ ना भाई, ट्राई तो मालूम सर, ट्राई कर रहा हूँ ना, क्या सापर गेट थोड़ा लीजिए ना, फोटो लीजिए ना भाई, मजा आया। YouTube में आओगे आप? YouTube में हाँ वायरल कर दूंगा इस। तो फ्रेंड्स अभी मैं हूँ जामनगर पार करके रिनेश के पास और अभी मैं जा रहा हूँ सापर गांव से जो रोड जाता है रिनेश के लिए, तो यहाँ से मैं एंटर करूँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ पे करेंगे एड क्योंकि अंदर वीडियो बना नहीं पाएंगे, तो बाय।